दिन ओप्पो A31 के डिवाइस में एक न्यू अपडेट प्रोवाइड किया जा रहा है ओप्पो की तरफ से, जिसका वर्जन है FPS2015EX_11_A.45। एंड यहाँ पर रिकमेंडेशन में लिखा हुआ है अपडेट टू द न्यू कलर OS वर्जन, एंड उसके साथ ही साथ दिस वर्जन अप्लाई द अक्टूबर 2020 एंड्राइड सिक्योरिटी पैचेस टू इनहेंस द स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ योर फ़ोन सिस्टम। मतलब ये हमारे फ़ोन में जो अपडेट प्रोवाइड किया जा रहा है ओप्पो की तरफ से, ये कोई कलर OS वर्जन या फिर एंड्राइड का अपडेट नहीं है। इसमें फिर हमें अक्टूबर 2020 का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच का अपडेट देखने को मिल जाता है, एंड उसी के साथ साथ में हमारे डिवाइस का जो परफॉर्मेंस है एंड इसकी स्टेबिलिटी होती है, इसको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया गया है। मतलब हमारा फ़ोन पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर चलेगा इस अपडेट के बाद, एंड हमारा फ़ोन लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अक्टूबर 2020 में अपडेटेड हो जाएगा। मतलब हमारा फ़ोन पहले से और ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा इफ A.45 वाले अपडेट के बाद। एंड वहीं पे बात करें भाई कलर शेवन के अपडेट के बारे में, एंड्राइड 10 के अपडेट के बारे में, तो यहाँ पे बताया जा रहा है भाई एंड्राइड 10 का अपडेट आपके डिवाइस में प्रोवाइड किया जाएगा। एंड यहाँ पे एक बात और है भाई, ये अपडेट जो है हमारे डिवाइस में जो सिक्योरिटी पैच का अपडेट प्रोवाइड किया है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ओप्पो एंड रियलमी, मतलब जिन फ़ोन में कलर OS रन कर रहे हैं उन डिवाइसों में जब भी एंड्राइड या फिर कोई कलर OS का अपडेट आता है, तो उनमें सबसे पहले आपको एक सिक्योरिटी पैच का अपडेट प्रोवाइड किया जाता है। एंड उस अपडेट के थ्रू आपके फ़ोन का यहाँ पे आपके फ़ोन में न्यू वर्जन न्यू एंड्राइड या फिर न्यू कलर OS वर्जन को रन करने के लिए कंपैटिबल किया जाता है। उसमें कुछ भी बग्स वगैरह या फिर कोई प्रॉब्लम देखने को मिल रही होंगी तो वो सब फिक्स कर दी जाएंगी, एंड इसी के साथ साथ वो सभी फ़ोन को कंपैटिबल किया जाता है एंड्राइड 10 या फिर कोई सा भी कलर OS वर्जन या फिर एंड्राइड वर्जन का अपडेट आता है तब। अब भाई इसमें एंड्राइड 10 का अपडेट आएगा ये बताया जा रहा है ओप्पो की तरफ से, बट ये कब आएगा ये मैं भी नहीं बता सकता, बिकॉज मैं यार यहाँ पे ओप्पो की तरफ से कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई है। एंड उसी के साथ में बात करें भाई कलर OS का अपडेट आपके डिवाइस में देखने को मिलेगा, कलर OS 7 का अपडेट। एंड उसी के साथ साथ में अगर आपको ये अपडेट रिसीव नहीं हुआ तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि ये अपडेट अभी रोल आउट स्टार्ट ही हुआ है, आपके फ़ोन में विद इन 7 to 10 days के अंदर रिव्यू हो जाएगा। तो प्लीज़ अपने फ़ोन को लेटेस्ट अपडेट A.45 में अपडेटेड कर लीजिए, एंड जब भी कलर शेवन का अपडेट आएगा, जब ओप्पो A31 की डिवाइस में एंड्राइड 10 का अपडेट आएगा, तब आपको ये इंस्ट्रक्शन जरूर रखा जाएगा आपका फ़ोन लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच A.45 में अपडेटेड होना चाहिए, तभी आपने फ़ोन के सॉफ्टवेयर अपडेट। एंड यहाँ पे आपको जो सेटिंग वाला आइकॉन देखने को मिल रहा है टॉप राइट कॉर्नर पे, यहाँ पे टैप करके अपने फ़ोन के ट्रायल वर्जन में जा करके वहाँ पे अपने फ़ोन में कलर OS 7 का अपडेट ट्रायल वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो अपडेट रोल आउट होता है किसी भी फ़ोन के लिए, तो यहाँ पे ट्रायल वर्जन में ही मिलता है, एंड कुछ कोटाज के साथ में अपडेट को प्रोवाइड किया जाता है, वो इसलिए क्योंकि भाई अपडेट में बग वगैरह भी देखने को मिल सकते हैं। एंड आप एक बात और भाई, आपको स्टार्ट में कलर OS वर्जन एंड एंड्राइड वर्जन दोनों चेंज किया जाएगा, तो भाई ऑफकोर्स आपको यहाँ पे ट्रायल वर्जन में मिलेगा, क्योंकि भाई बग वगैरह देखने को मिलेंगे तो फ़ोन हैंग होगा, तो इसीलिए आपको सबसे पहले ट्रायल वर्जन में अपडेट को प्रोवाइड किया जाता है, एंड उसके बाद आपके फ़ोन में एक न्यू सिक्योरिटी पैच का अपडेट प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आपके फ़ोन में जो भी बग वगैरह देखने को मिल रहे होंगे वो सभी बग्स को फिक्स कर दिए जाएंगे ओप्पो की तरफ से। सो फ्रेंड दैट फिट एंड यार बहुत सारा थैंक, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिएगा, अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं।